सब्सक्राइब करें डीके हेल्प चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ फेसबुक के बारे में। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आप इतना फेसबुक के मैसेंजर पे बात करते थे तो जो आपका डेटा है जो है वो फेसबुक के पास ही आता है। फ्रेंड्स, तो फेसबुक के पास जो जाता है आपका डेटा, लेकिन लोगों को सब मालूम होता है कि आप कितने बजे किससे बात किए क्या नहीं किए, तो लेकिन सब पर्सनल चीज़ देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इससे बचना है तो ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखो। अगर आप नए हैं तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ठोक दो लाइक। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ आपके साथ अगर आपको चलाना है फेसबुक तो यहाँ पर आप फेसबुक का ऐप तो डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन अगर आपको बात आत करना है तो मैसेंजर भी डाउनलोड करके रख लेते हो। तो सबसे मेन चीज़ जो है अपनी मैसेंजर, तो मैं आपको बता देता हूँ मैसेंजर के बारे में। तो यहाँ पर जब आप अपना ओपन करते हो मैसेंजर, जैसे अगर फर्स्ट टाइम ओपन करो या कभी ओपन करते हो, तो यहाँ पर ही कंटिन्यू करके या आईडी बना के, तो यहाँ पर मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो यहाँ देखिए लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा नेट स्लो चल रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे आपसे पूछता है टैक्स। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो आपके कॉन्टेक्ट है वो सामने वाले को मालूम पड़ा है, फेसबुक वाले को मालूम पड़े कि आपके इसमें कितने कॉन्टेक्ट है, क्या करते हो आप। तो अगर आपको ये ऑन करना है तो आप ऑन कर सकते हो, नहीं तो नोट कर सकते हो। नोट नाउ करना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि जो डेटा है वो आपके पास उसके बाद चला जाएगा। तो यहाँ से आपको करना है नोट नाउ। और इसके बाद में है मैसेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैसेज तो आपको मालूम है कि आपका जो बैंक है इसका मैसेज आता है, ओटीपी आता है। तो अगर आप मैसेंजर से कनेक्ट कर दोगे तो आपका जो मैसेंजर में जो मैसेज आता है और कंपनी के मैसेज, बैंक के मैसेज, वो सब मैसेंजर पे भी आएंगे करेंगे। तो मैसेंजर पे आएंगे तो फ्रेंड्स आपको तो मालूम होगा कि आपका डेटा जो है पूरा चोरी हो सकता है। तो इसको ओके नहीं करना है, इसको नोट नाउ करना है। तो यहाँ से मैं नोट नाउ कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे सारे फ्रेंड्स आ गए हैं। और यहाँ पर जो है आपको मोबाइल नंबर नहीं देना है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मोबाइल देना नंबर बहुत फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है। अगर आप मोबाइल नंबर दोगे, ये थोड़ी ना कि व्हाट्सअप है तो फ्रेंड्स ये मोबाइल नंबर आपका मांगा, व्हाट्सअप देते चलो मोबाइल नंबर अपन दे देते, लेकिन ये मैसेंजर है तो मैसेंजर के लिए मोबाइल नंबर नहीं देते फ्रेंड्स। तो आपको एकदम मैसेंजर के लिए मोबाइल नंबर नहीं देना है फ्रेंड्स। और इसके बाद में पूरा सिस्टम हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका जो डेटा है वो थोड़ा बचने की कोशिश कर लेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।